ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पे क्रेडिट गलत इंसान को जा रहा है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ अपने ट्राइफल की रेसिपी शेयर करूँगी, जैसे मैं बनाती हूँ। बहुत इजी, बहुत ज़बरदस्त है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रफान की मैंगो फ्लेवर में जेली यूज़ करें, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंगो कस्टर्ड फ्लेवर है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। कस्टर्ड फ्लेवर कह रही हूँ, कस्टर्ड भी मैंगो फ्लेवर में और जेली भी मैंगो फ्लेवर में, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जब तक पानी बॉयल नहीं होता अच्छे से, हम इसको ओपन कर लेते हैं। मैं यही कस्टर्ड यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग ऑन योर चॉइस आप यूज़ कर सकते हैं, बनाना भी मज़े का लगता है, लेकिन मेरे घर में बच्चे मैंगो ज़्यादा शौक से करते हैं। ये हमने जेली के लिए बाउल रख लिया, पानी ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है, जैसे बॉयल्ड हो जाएगा ना हमने इसको। अच्छा, ये बॉयल, ये जो बाउल है ना, आपने ड्राई लेना, बिल्कुल गीला ना हो, ठीक है। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। देसी टोटका जैसे मुंह से खोल लें, ठीक है। सबसे पहले एक्सपायरी ज़रूर पड़ी, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, बच्चे पीछे मोमो देख रहे हैं, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं बैकग्राउंड साउंड को। नेचुरल व्लॉग रख रही हूँ, कोई वॉइस ओवर नहीं कर रही हूँ, व्लॉगिंग की तरह आप लोगों के सामने जिस तरह से मैं बनाती हूँ ट्राइफल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग भी बताइएगा आप लोग किस तरह बनाते हैं, आप लोग को ये रेसिपी अच्छी लगी या नहीं लगी, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं पानी जो है ऑलमोस्ट बॉयल्ड हो चुका है। अब मैं इसके अंदर इसको ले लूँगी एंड देन वापस आऊँगी। पानी आपने बिल्कुल इतना बनाना है, इतना डालना है कि बहुत पतली ना हो जाए आपकी जेली। आपको इसको जो है थोड़ा सा थिक रखना है। मुझे तो मैं तो एस्टिमेटेड मैंने पानी यूज़ किया है। आप लोग इसकी रेसिपी पीछे से देख कर ना उसके मुताबिक पानी डाल सकते हैं, ठीक है। और आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि ये देखें जेली के आपको नज़र आने होंगे, अच्छे से जो इसके पाउडर था जेली का वो आपने अच्छे से मिक्स करना है। पानी को ठंडा नहीं होने देना, जल्दी जल्दी से इसको मिक्स करना है, क्योंकि फिर वो जो जेली है ना वो गुटलियाँ सी बन जाती हैं, वो मज़ा नहीं करती जेली के अंदर, ठीक है। बैलेंस आपकी जो है ना वो जेली होनी चाहिए, थोड़ी सी अगर आपकी जेली इसमें पतली भी हो जाएगी तो वो बुरी नहीं लगती है ट्राइफल में। मगर आप लोग क्यूब्स करना चाहते हैं या कोई शेप देना चाहते हैं तो थोड़ी सी आप लोग थिक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने अच्छे से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं ये पाउडर जो है ना ये अच्छे से मिक्स हो गया। ओके जी, अब मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं सेटिंग करती हूँ इसकी और किस तरह से हम इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे एंड देन हम लोग नेक्स्ट स्टेप अपना करेंगे। पहले सबसे पहले हाथ धुले हुए होने चाहिए, जैसे कि मेरे धुले हुए हैं। मैंने अच्छी तरह से पहले अपने हाथ धोए हैं, आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है और बिल्कुल भी दिल बुरा नहीं करना। अब मैं इसको क्या करूँगी, इस तरह से पकड़ूँगी। केक आपने अच्छी बेकरी का लेना है जिसमें से अंडे की स्मेल ना आए, फ्रेश हो बिल्कुल और बिल्कुल ताज़ा हो। असल में हुआ ये था कि बच्चे बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि मौसम जैसा कि सर्दियों का है और बच्चे जो हैं बीमार हो चुके थे, कुछ खाते पीते नहीं हैं। मानो आप ज़रा साइड पे थोड़ा सा हो जाएं, ठीक है, आप दूर से भी देख सकती हैं, ठीक है ना। तो आप लोग से मैं ये बात कर रही थी कि बच्चे बीमार हो गए थे तो वो कुछ हेल्दी चाहिए होता उनको। वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी बुखार की वजह से,
और ये देखें। सो मैंने सोचा कि उनको कुछ ऐसा हेल्दी दूँ जो वो खा भी लें शौक से और उनको ताकत भी मिल जाएगी। ठीक है, ये आपने फ्रेश केक डालना है, ये ऑप्शनल है। अगर आप लोग नहीं डालना चाहते हैं तो इट्स ओके, आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। माने प्लीज़ टेक अ साइड। ओके, थैंक यू। ठीक है, ये अब आप ये देखें कि आप लोग देखें कि मैंने हाफ जो है केक इसके अंदर मैश कर दिया, हाफ मैश हो गया, हाफ अभी भी रिमेनिंग है। इसका मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना। ठीक है, ये आपने अच्छे से इसको करके, एंड देन हम लोग जो फ्रूट्स यूज़ कर रहे हैं, अब आप इसमें अपनी पसंद के फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर एप्पल और बनाना यूज़ किए हैं क्योंकि मैं हेल्दी की तरफ जाना चाह रही थी कि बच्चों को हेल्दी फूड और दूँ जिससे उनको ताकत मिले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीमार रहे थे। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 एप्पल्स मैं ऐड करूँगी एज रिक्वायर्ड, मुझे जितनी ज़रूरत होगी मैं काट लूँगी। अभी मैं एप्पल काटती हूँ एंड देन आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, इसको पील ऑफ कर लेते हैं और देन मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं मैंने एप्पल्स जो हैं वो पील ऑफ कर ली एंड देन अब मैं इसके क्यूब्स कर रही हूँ। इतने क्यूब्स करने हैं कि अब जैसे मेरी बेटी है 2 साल की, वो भी अच्छे से बाइट कर सके, इसको चबा सके, उसको मुश्किल ना हो। मतलब आप अगर थोड़े बड़े रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। मानो प्लीज़, थैंक यू। ठीक है, आप लोग इस तरह की बाइट रखें कि बच्चा अगर छोटा भी खा रहा है तो आसानी से वो इसको चबा सके। ज़्यादा बड़ा आपने नहीं करना है, पर बट इट अप्स टू यू, अगर आप लोग करना चाहते हैं थोड़ा सा बड़ा तो कर सकते हैं, नो इशू। और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा और कर लेंगे से, इसको जो है कट करेंगे। जल्दी इसलिए करनी है क्योंकि आपको पता है जो फ्रूट्स हैं ना, ख़ास तौर पे एप्पल्स और जो बनानाज हैं, वो बहुत जल्दी काले हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। जैसे जैसे इनको हवा लगती है ये काले हो जाते हैं। हमने कोशिश करनी है कि इनका जो कलर है ना ऐसा ही रहे। उसके लिए क्या टिप है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ भी, लेकिन उसके बावजूद आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। ठीक है, और ये जो हमारे एप्पल्स हैं ना, ये मैंने आपको बताया था कि मैंने 2 एप्पल्स जो हैं वो कट किए हैं इस तरह से। ठीक है, अभी भी इसके अंदर है वो भी हम ध्यान रखेंगे और काट देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये कलर इसका ख़राब ना हो, थोड़ी सी हम यहाँ पे चीनी लेंगे। ठीक है, ये देखिए, वैसे तो ये काम किचन में भी हो सकता था बट आई थॉट कि क्यों ना आराम से बैठकर तसल्ली से किया जाए, लेकिन मेरी बेटी बिल्कुल भी तसल्ली बख्श काम नहीं करने दे रही है मुझे। ठीक है, ये हमने बिल्कुल लाइट से। ओके जी, अब हमारे बारी है, हम बनाना डालेंगे इसमें। ठीक है, बनाना जो है मैंने जैसा कि बताया कि मैं अपनी छोटी बेटी के लिए भी साथ ही इस चीज़ का ख्याल रखूँ कि वो भी खाए, और मैंने बिल्कुल तैयार जो सॉफ्ट होते हैं ना, जो जल्दी से बच्चा चबा लेता है, उसको प्रॉब्लम नहीं होती, पेट में दर्द नहीं होती, उसके लिए। ठीक है, अभी जल्दी से हम लोग इसको कट कर देंगे। ठीक है, कि छोटे बच्चे भी इजीली खा लें। बहुत हेल्दी है ये और बहुत मज़े का भी लगता है। वैसे आप लोग इसके अंदर जेलीज जो हैं वो एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं फ्लेवर, जैसे बनाना भी है, स्ट्रॉबेरी भी है, पाइनएप्पल है, मगर मेरे बच्चे जो हैं वो मैंगो के साथ, मैंगो जो है फ्लेवर पसंद करते हैं। सो अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को वो पॉइंट बता रही हूँ जब हमने अपने फ्रूट्स कटिंग करी। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 8 to 10 के राउंड अबाउट बनानाज लिए हैं इस साइज़ के, स्मॉल साइज़ के, जो मैंने इसके ऊपर काटे हैं। अब जो मेरे पास रिमेनिंग केक था ना, उसको मैं मैश करके इसके ऊपर इस तरह से फैला दूंगी। मानो प्लीज़, मानो प्लीज़, एप्पल खाए चलो मानो। ठीक है, ये मैं अब डालकर तो आप लोगों को नेक्स्ट जो हमारा होगा क्या उसे कहते हैं, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा ना, इसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ दोबारा रैप करने का, रैप इन इस तरह के, मतलब आपने ये रैपिंग शीट लेनी है
और इसको आपने अच्छे से एयर टाइट रैप करना है इस तरह से कि इसके अंदर बिल्कुल भी हवा ना जाए। मानो प्लीज़, बच्चों के साथ साथ काम करना बहुत मुश्किल है, बट स्टिल बच्चे तो बच्चे हैं। और ये मैं इसको इस तरह से रैप करके, ठीक है, बाकी यहाँ से कट कर दूँगी। मानो प्लीज़। ओके जी, अब आप देख सकते हैं ये अच्छे से जो है कवर हो गया। इसको हमने रैपिंग शीट की मदद से अच्छे से कवर किया ताकि इसके अंदर हवा ना जाए और ये ब्लैक नहीं होगा इंशाल्लाह। और मैंने बनानास जो काटे थे ना, सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वॉइस ओवर कर रही हूँ। वीडियो काफ़ी ऑलरेडी लंबी हो चुकी थी, तो यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट 1 kg में रखी है जब तक हमारा नेक्स्ट स्टेप। और आई गेस इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। और दूध को मैंने बॉयल किया है और एक ग्लास में मैंने हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा दूध लिया है। उसके अंदर मैंने कस्टर्ड मिक्स किया था, 2 tablespoons मैंने पाउडर कस्टर्ड पाउडर डाला था, उसको अच्छे से मिक्स करके। और मैंने हाफ ग्लास इसमें बॉयल्ड दूध में डाला था और उसको अच्छे से मैंने, आप देख सकते हैं कि मैं इसको मुसलसल हिला रही थी। इससे होता यह है कि आपको कंसिस्टेंसी जो है ना, आपको बहुत नॉर्मल रखनी है। ये मुझे थोड़ा सा पतला लगा था, इसके बाद मैंने 1 चम्मच और कस्टर्ड पाउडर का ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स करके मैंने दोबारा से डाला था। जब आप थोड़ा सा दूध रख लेते हैं या थोड़ा सा मिक्सर आपने रख लिया, तो आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि कितनी आपको क्वांटिटी और थिक चाहिए। आप उसी में ऐड करके आप उसको डाल सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इस तरह से किया था। और बहुत ज़्यादा थिक हमें कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी चाहिए, बहुत रनी भी नहीं। मगर आप लोग देखेंगे कि मुझे किस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए थी, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और मुसलसल आपको इसको हिलाते जाना है। और हिलाना इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि जब कोई माया वाली चीज़ हम लोग डालते हैं ना, उसमें बहुत जल्दी वो बन जाते हैं, क्या उसको कहते हैं, गुठलियाँ सी आ जाती हैं इसके अंदर ना। तो ये आप देखें कितनी स्मूथ और कितनी ज़बरदस्त क्रीमी सी इसकी कंसिस्टेंसी है। और हमें एग्जैक्ट इसी तरह की चाहिए, इससे ज़्यादा थिक नहीं करना है, क्योंकि हमें इनको फ्रूट्स के ऊपर इस कस्टर्ड को डालना है और इस तरीके से डालना है कि ये कस्टर्ड खुद ब खुद फ्रूट्स के अंदर एडजस्ट हो जाए। क्योंकि अगर आप थिक डालेंगे ना, तो वो होगा ये कि जो कस्टर्ड है ना, वो ऊपर ऊपर लेयर पे रहेगा। शुगर ऐड करेंगे, आप लोग मेरे हाथ को इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है ना शुगर, आप देख सकते हैं ये प्याली बहुत, बाउल बहुत छोटा सा है। और आई थिंक इट्स इनफ। अगर आप लोग थोड़ा मीठा तेज़ या कम करना चाहते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स आप कर सकते हैं। ये मैं इसके अंदर इस तरह से डाल दूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँ। ओके जी, अब जो हमने अपने फ्रूट्स कटिंग किए थे ना, अब हम उसको निकालेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे जो फ्रूट्स हैं ये ऑलमोस्ट मैंने 1 घंटा पहले जो है कटिंग करके फ्रिज में रखे थे, सॉरी। और मैं आपको दिखाती हूँ इसको कि ये किस तरह के हमारे जो फ्रूट्स कटिंग हमने किए थे ना, इसका अब हम ऊपर से रिमूव कर देंगे पैकिंग। और जो हमारा, ये आप देख सकते हैं फ्रूट्स, ठीक है, ये आप फ्रूट्स देख सकते हैं कि कितने फ्रेश, और बिल्कुल भी इनका जो कलर है ना, वो ब्लैक नहीं हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर आकर गली है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से ना, ये देखिए तैयार हो चुकी है, ठीक है। हमें इसी तरह की जेली चाहिए थी और मैं क्यूब्स नहीं करना चाहती हूँ। मैं इसको इस तरह से अच्छे से जो है ना, इसको क्रश कर दूँगी इस तरह से। बिल्कुल कोई भी क्यूब इसके अंदर जो है ना, इस तरह का नहीं होगा। मुझे बिल्कुल ये इस तरह की पोजीशन में चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। मैंने इसको अच्छे से इस तरह से फोक की हेल्प से मैंने ना इसको इस तरह से बिल्कुल क्रश कर दिया। आप भी, आप पे डिपेंड करता है, अगर आप लोग क्यूब्स करना चाहते हैं तो आप लोग क्यूब्स कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ
अब जो है ना हम क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे और इसकी हेल्प से, स्पून की हेल्प से हम इसको इसके ऊपर फैलाएंगे। और जी इस जो ट्राइफल बनाने में मेरी हेल्प की है, इसको रिकॉर्ड करने में उनका बड़ा हाथ है इसमें। तो आपने, अगर आपने इसको वीडियो को एंजॉय किया तो आपने लाजमी लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स में बताना है, क्योंकि वो शख्स और कोई नहीं, मेरे हस्बैंड अपना बहुत कीमती टाइम से, अपने वक्त से मेरे लिए वक्त निकाला, उन्होंने, बहुत शुक्रिया उनका। और आप चले उनकी खातिर ही सही एक लाइक कर दें और कमेंट कर दें, ठीक है। अब जो है ना ये हमने अच्छे से इसके ऊपर फैला दिया इस तरह से, और बैलेंस कर दें कि बिल्कुल एक जैसी बैलेंस जो है हमें जेली मिले हर बाइट के अंदर, ठीक है। आप डबल भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं जेलीज जो हैं, मतलब फ्लेवर अगर आप एक ही रखेंगे ना तो वो सही रहेगा। बिस्मिल्लाह। अब क्या करेंगे, अब जो है ना आप देखें जितनी देर में मैंने जेली जो है वो उसके अंदर करके मैंने उसके अंदर डाली है, ये काफ़ी हद तक थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए कस्टर्ड की। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़ के इसके ऊपर इस तरह से डालेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान, ठीक है। बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से थोड़ी सी कस्टर्ड को स्पेस देंगे फोक की हेल्प से, ठीक है। और जो कस्टर्ड है वो अपनी जगह जो है वो खुद बना लेगा। और ये इतना हेल्दी और इतना टेस्टी बनता है, क्योंकि मैंगो कस्टर्ड का फ्लेवर जो है मैंगो है, और जेलीज का फ्लेवर भी, जेली का फ्लेवर भी मैंगो ही है। सो बहुत टेस्टी बनता है ये सेम फ्लेवर में, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरा इंस्टाग्राम अगर आप फॉलो कर लें तो आप वहाँ पर भी मुझे टैग कर सकते हैं। मैं वहाँ पे भी, मैंने अभी रीसेंट ही जो है रेगुलर पोस्टिंग स्टार्ट करती हूँ, हमेशा कहती हूँ लेकिन भूल जाती हूँ, लेकिन आप वहाँ पे मुझे टैग कर सकते हैं और मुझे अपनी राय दे सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि अब हम अपनी फाइनल जो हमारी ट्राइफल की, जी मेरी बेटी को बिल्कुल आपने पूरी तरह इग्नोर करना है, वो ऐसे ही करती है, हमेशा मेरा काम ऐसे ही ख़राब करती है और हमेशा टाइम बढ़ा देती है। चलें कमिंग टू द पॉइंट, यहाँ पर हम लोग लुक रिवील करने जा रहे हैं अपने ट्राइफल की, लास्ट मैं आपको दिखाती हूँ। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टडे, ठीक है। ये है जी हमारी प्रेजेंटेशन जो हमने बहुत इमरजेंसी सिर्फ यूट्यूब के लिए, यकीन जाने घर में बिल्कुल सिंपल होता है, सिर्फ यूट्यूब के लिए मुझे इतनी रात को 1 बजे प्रेजेंटेशन करनी पड़ी है। सो आप लोगों ने ना मेरी एफर्ट्स को प्रमोट करना है, वो भी कमेंट्स करके, लाइक करके और शेयर करके, ठीक है। अप्रिशिएट करना है आपने, प्रमोट करना है, और प्रमोट इस तरह कर सकते हैं कि आप लोग शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अप्रिशिएट इस तरह करना है कि आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये मेरी बेटी को देख लें आप, मानो ओके बाय बाय कर दें आप, बाय बाय, ओके जी अल्लाह हाफिज़। यही तो वो उठाया निशु ने आप लोग के खाते, यही तो वो कह रही है कि जेली डॉली नहीं, जेली इसके अंदर मिक्स है क्या, जो
उसने चार इकट्ठी का एकदम हवा लगाया ना लोगों को, नहीं अगर ये दो की वही बात है पैकेजिंग करती 1700 एक मतलब दो लिपस्टिक 1000 रुपए की तो हम हर चीज होती है, नहीं समझ रहे किसकी है सच्ची में? Yes. अबू रहरा चलो खाओ और बताओ कैसा। कैसा लगा? ऐसे लग रहा है जैसे मैं जबरदस्ती तारीफ करवा रही हूँ। अबू रहरा बी सीरियस। मैं फिर अबू बकर से पूछने लगी हूँ। बहुत मजेदार है। जबरदस्ती तारीफ कर रही हूँ। नहीं बी सीरियस। बहुत मजेदार। मजे का? बहुत मजेदार। जबरदस्त। ओके। अबू बकर। चलो अब आप बताओ। अबू बकर मजे के सच्ची में ओके आप बताओ। बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू देना आपने। कैसा लगा? बहुत अच्छा। ऊंची आवाज से बताओ ना, आवाज नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है जैसे मैं जबरदस्ती आप लोगों से तारीफ करवा रही हूँ। सीरियसली बहुत अच्छा। थैंक यू। चले शानी बताएं कैसा। सीरियसली बहुत मजेदार है। सच्ची में हर चीज बना सर। बहुत टेस्टी है। आखिर मेहनत किसकी भाई? आपकी बिल्कुल भी नहीं। आपने सिर्फ कैमरा पकड़ा हुआ। रिपोर्ट किसने किया थी बताएं जरा आप। ओके जी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे क्रेडिट गलत इंसान को जा रहा है। अल्लाह हाफिज़।